नमस्कार। सशक्त और सुदृढ़ हो सके खुशी के हालात, इस कार्यक्रम में हम करेंगे सिर्फ किसान की बात। स्वागत है आप सभी का पूसा समाचार में। मैं आपके साथ डॉक्टर कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, और मैं डॉक्टर ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक आनुवंशिकी। आइए शुरू करते हैं आपका एक खास अंक, जिसमें हम आपको सरसों एवं सब्जी मटर के उन्नत किस्मों एवं मौसमी में कीट प्रबंधन की जानकारी देंगे। पूसा व्हाट्सएप सलाह एक प्रयास है जिसके माध्यम से हम सीधा किसानों से जुड़ते हैं। हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर किसान भाई अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें भेजते हैं, जिसका समाधान हम हमारे विशेषज्ञों द्वारा आपको उपलब्ध कराते हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा प्रश्नों को हम कार्यक्रम में शामिल भी करते हैं। उसके अलावा इस अंक में मौसम खबर। तिलहनी फसलों में सरसों एक प्रमुख फसल है, जो सिंचित और बारानी दोनों ही अवस्थाओं में उगाई जाती है। सरसों की बुवाई अभी कई क्षेत्रों में शुरू भी हो चुकी है। बिल्कुल, और पूसा संस्थान ने सरसों की कई उन्नत किस्मों का विकास किया है, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन सिंह। मौसम बदल रहा है और ये ग्रीष्म ऋतु से शरद ऋतु में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में सरसों की बुवाई का उचित समय आ गया है। यह बुआई 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में की जा सकती है। तेल में वसा अम्लों का अनुपात एवं खली में ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा सरसों की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। सरसों के तेल में अधिक एरोसिक एसिड होने की वजह से यह हृदय रोगों की संभावना को बढ़ा देता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इसी वजह से ऐसी 9 प्रजातियों का विकास किया है जिनमें एरोसिक अम्ल की मात्रा कम होती है और ये खाने के लिए बेहतरीन तेल बन जाता है। पूसा करिश्मा भारत की ऐसी पहली प्रजाति है जिसमें एरोसिक अम्ल की मात्रा 2% से कम है। इसके बाद कुछ और प्रजातियां जैसे कि पूसा सरसों 21, पूसा सरसों 22, पूसा सरसों 24 और पूसा सरसों 29 का अनुमोदन भी किया गया। ये सभी प्रजातियां पकने में लंबा समय लेती हैं और इन प्रजातियों का कद काफ़ी लंबा होता है। पूसा सरसों 30 एक पहली ऐसी प्रजाति है जिसका दाना बहुत ही मोटा है और यह समय से पक जाती है। इस प्रजाति में कम रूसिक होने के साथ साथ इसकी पैदावार करीब करीब 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ली जा सकती है। पिछले साल एक नई प्रजाति का अनुमोदन किया गया। इस प्रजाति को पूसा सरसों 32 नाम दिया गया है। यह प्रजाति करीब 140 से 45 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी पैदावार करीब करीब 32 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ली जा सकती है। खली में ग्लूकोसिनोलेट्स की मात्रा अधिक होने की वजह से पोल्ट्री पक्षियों में घेंगा रोग होने के संभावनाएं रहती हैं। इसी को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा 2 ऐसी प्रजातियों का विकास किया गया जिनमें ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा 30 ppm से कम और एरोसिक एसिड 2% से कम किया गया। ऐसी प्रजातियों को डबल जीरो प्रजातियां के नाम से जाना जाता है। देश की पहली डबल जीरो प्रजाति का नाम है पूसा 00 सरसों 31। यह प्रजाति करीब करीब 140 से 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी पैदावार करीब करीब 28 से 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ली जा सकती है। इसी वर्ष एक नई प्रजाति जिसे पूसा 00 दिया गया है उसकी पहचान की गई है और यह प्रजाति करीब करीब 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी उत्पादकता 32 से 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ली जा सकती है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा अनेकों सामान्य गुणवत्ता वाली प्रजातियों का विकास किया गया है। इनमें प्रमुख प्रजातियां हैं पूसा बोल्ड, पूसा जगन्नाथ, पूसा जय किसान और पूसा विजय। पूसा विजय इन सभी प्रजातियों में नवीनतम प्रजाति है। यह प्रजाति 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस प्रजाति के दाने बहुत ही मोटे हैं और इससे किसान भाई 32 से 36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार ले सकते हैं। किसान भाई ध्यान दें कि इन सभी प्रजातियों का बीज भरोसेमंद स्रोत से लें एवं इसकी बुआई 10 से 30 अक्टूबर के बीच में करें।
रबी में मटर एक प्रमुख सब्जी फसल है। मटर प्रोटीन का एक उत्तम स्रोत तो है ही, साथ ही अनेक विटामिन और खनिज लवणों से भी भरपूर होता है। जी, और अच्छी उपज लेने हेतु किसानों को अभी से उन्नत किस्मों का चुनाव, खेत की तैयारी एवं बीज का प्रबंध कर लेना चाहिए। इस बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीधर। अब रबी का मौसम की शुरुआत होने वाली है, आप इस समय में मटर की खेती हमारे पूरे देश में पूरे काफ़ी एरिया में की जाती है और इसका आप देखें तो बहुत ही लाभ हमारे किसानों को मिलता है, क्योंकि मटर एक ऐसी फसल है जो कैश क्रॉप के रूप में हमारे किसान भाई लेते हैं और बहुत ही शीघ्र इनको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त होती है। जिसमें प्रमुख रूप से मैं आपको बताना चाहूँ तो एक पूसा श्री है जो कि ये सबसे अगेती किस्म है, और इस किस्म का ये फ़ायदा है कि अगर हमारे किसान भाई इसको अति अगेती लगाते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे किसान हैं ये चाहते हैं कि इसको हम सितंबर अंत में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगा लें तो इनकी फसल जल्दी आती है और इसका दाम बाज़ार में बहुत ज़्यादा फलियों का मिलता है। फिजीरियम विल्ट बहुत आता है जब अति अगेती आप खेती करते हैं, तो उसके लिए क्या है कि हमारे किसान भाई या तो बीज रेट जो है, हमारा बीज दर है, उसको या तो डबल या ट्रिपल करके बोते हैं, दुगना तिगना बोते हैं, या फिर जिससे कि पौधों की उसमें संख्या अधिक हो खेत में, या फिर कोई ऐसी किस्म उनको मिले जो कि उस फिजीरियम विल्ट से रोग रोधी हो। तो इसमें पूसा श्री इसी के लिए निकाली गई है, तो इसका कम से कम 45 से 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन ले पाते हैं आप। दूसरी किस्म ये है कि हमारे किसान भाई ये चाहते हैं कि हमें भी ऐसी कोई किस्म मिल जाए जो कि हमारे अति अगेती में भी चल जाए और अति पछेती में भी चल जाए। तो इस पे हमने बहुत समय से अनुसंधान कार्य किया और उसके प्रतिफल स्वरूप पूसा प्रबल नाम की एक किस्म बनाई है जो कि आप इसको अगेती में भी बो सकते हैं और पछेती में भी बो सकते हैं। इसमें दोनों जो ये रोग रोधिता है इसमें डाला गया है, तो इसमें फ्यूजेरियम विल्ट का भी प्रकोप कम आता है और जो आपका चुरड़िलासिता है इसके लिए तो ये बिल्कुल रोग रोधी है, अपने खेतों में उगा सकते हैं। ये भी अगेती किस्म की है। और इसके अलावा जो हमारी सबसे पुरानी किस्म है अर्कल, अभी भी हमारे किसानों के बीच में प्रचलित है और ये काफ़ी मात्रा में हमारे किसान भाई इसकी खेती करते हैं। तो ये 3-4 किस्में हैं जिनकी वो खेती कर सकते हैं। मौसमी एक महत्वपूर्ण नींबू वर्गीय फल है। इस समय मौसमी के फल पकने की अवस्था में आ चुके हैं और इसलिए इसमें कीट का प्रबंधन अति आवश्यक हो जाता है। इस समय कीटों में मुख्यतः फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई का बहुत प्रकोप देखा जाता है और इसके नियंत्रण की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. दुबे। नींबू वर्गीय फल जो मीठे फल हैं, जैसे मौसमी है, माल्टा है, किन्नो है, ग्रेप फ्रूट है, चकोतरा है, ये चूंकि पकने की तरफ बढ़ रहे हैं और संभवतः अक्टूबर से ये पककर तैयार हो जाएंगे, तो इस समय इसमें एक सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिल रही है वो है कि फल मक्खी का प्रकोप। फल मक्खी का जो होता है ये इस जो हमारा फल होता है इस पे वो अंडे देती है, तो इससे क्या होता है, एक तो बाहरी त्वचा जो है चोटिल हो जाती है जिसपे फफूंद जनित रोग का प्रकोप होता है, और जो वो अंडे देती है वो बाद में लार्वा बन जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो फल है वो पकने से पहले ही गिर जाता है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो यहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि इस फल मक्खी का प्रकोप को इस समय रोकना बहुत आवश्यक है। तो इसको रोकने के लिए एक सबसे सरल उपाय है, अगर आपके पौधे छोटे हैं और उनमें आप थैली बांध सकते हैं तो एक कपड़े की या कागज़ की थैली बाज़ार में उपलब्ध है, उनको आप लीजिए और जो स्टेपलर होता है उसके सहायता से आप अपने फलों को कवर कर दीजिए। फल को कवर करने से क्या होगा कि नीचे फल खुला रहेगा, चारों तरफ से फल कवर हो जाएगा थैली से, जिससे कि फल मक्खी इस पे अंडे नहीं दे पाएगी और आपके फल सुरक्षित हो जाएंगे। इसके अलावा आप बागों का सफाई का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये फल मक्खी जो है ये खरपतवारों में छुपती है, तो सबसे पहले जो आपके बागों में खरपतवार हैं उनका आप नियंत्रण करिए और उसके बाद उसमें एक जो कीटनाशी है इमिडाक्लोरोपिड उसका 17.1% के हिसाब को आप 3.5 से 4 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर अगर खरपतवारों पर उसका छिड़काव करेंगे तो निश्चित तौर से जो इसके जो फल गिरे हुए हैं, जो लार्वी जमीन पे है, जो मक्खी है, उसको आप नियंत्रण कर पाएंगे। इसके अलावा
सबसे एक और महत्वपूर्ण चीज़ काम आपको करना है, जो जिसको मक्खी ने मार दिया है, जो फल पौधों पर लगे हुए हैं, पीले पड़ रहे हैं या गिर गए हैं, उन फलों को आप इकट्ठा करके या तो नष्ट कर दें या इनको किसी गर्म पानी में उबाल कर, अगर आप जानवर रखे हुए हैं तो उनको आप चारा में इनका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जो फल मक्खी का लार्वा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फल मक्खी का नियंत्रण कर सकते हैं और आपको अच्छी उपज मिलेगी। किसान भाई, पूसा संस्थान के कृषि तकनीकी सूचना केंद्र यानी एटीक में सरसों, चना, मसूर के उन्नत बीज उपलब्ध है। इच्छुक किसान भाई हमारे एटीक से ये बीज प्राप्त कर सकते हैं तथा अधिक जानकारी हेतु दिखाए जा रहे फोन नंबर से आप संपर्क भी कर सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमे हम आपके द्वारा भेजी गयी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बनाएंगे। नालंदा बिहार से संतोष यादव जी ने नींबू के फल एवं पत्तियों में भूरे उभरे हुए जालीनुमा धब्बे बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में सिट्रस कैंकर नामक रोग का प्रकोप दिख रहा है, इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम रोगग्रस्त टहनियों को हटा दें। इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट की 20 ग्राम मात्रा तथा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 600 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ के जगह छिड़काव करें। नूरपुर गाजियाबाद से अंकुर कुमार जी ने बैगन की पत्तियों में छेद होने एवं फल के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में माइट्स का प्रकोप हुआ दिख रहा है, इसके समाधान है कि लाइकोपोल की 100 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से पत्तियों के निचले हिस्से में छिड़काव करें तथा इसके 15 दिनों के उपरांत ही फलों की तुड़ाई करें। धार मध्य प्रदेश से नरेंद्र परमार जी ने भिंडी के पत्तियों में सफेद पाउडर नुमा परत बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में पाउडर मिल्डू नामक रोग का प्रकोप हुआ है और इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु कैराथेन की करीब 400 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। मधुबनी बिहार से राजन कुमार जी ने धान की पत्तियों के सिरों के गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में शीत ब्लाइट नामक रोग का प्रकोप हुआ है और इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु हेक्साकोनाजोल की करीब 400 ग्राम मात्रा या शीत मार की करीब 500 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से तुरंत छिड़काव करें। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 26 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में, 26 और 27 सितंबर को लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, 27 और 28 सितंबर को उत्तराखंड, विदर्भ, गंगेय पश्चिम बंगाल, मराठवाड़ा में, 26 से 28 सितंबर के दौरान गुजरात राज्य, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, केरल और माहे में कुछ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 26 से 28 सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम, पश्चिम मध्य अरब सागर, गुजरात तट में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को इन क्षेत्रों में उद्यम न करने की सलाह दी जाती है। 19 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान मध्य, पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, पश्चिम तट और द्वीप में कुछ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों, दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक पिछले अनेकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप हमारे फेसबुक और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु आप हमें दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें, साथ ही अपना नाम पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।